नमस्ते दोस्तों, भारत चिकित्सा पर आज आयुर्वेद की एक बहुत ही मल्टीपर्पज औषधि आपके सामने लेकर आया हूं। यह है चंद्र प्रभावटी। दोस्तों, इसके लाभ अनंत हैं। कई रोगों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये एक नेचुरल सोर्स है मल्टीविटामिन्स का भी। आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी औषधि के बारे में। आप कब कब इसको लें, किन रोगों में इसका सेवन करें, क्या इंग्रेडिएंट इसको बनाने में लाए गए हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कंटेनर पर। इसमें 80 टैबलेट्स आपको मिलेंगी, 5 साल की इसकी लाइफ है और ₹75 इसका दाम पड़ेगा। आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये गोलियाँ जो चंद्र प्रभावटी की हैं वो दिखती कैसी हैं। मैंने इसे पहले से ही खोल कर रखा हुआ है। ये देखिए, ये गोलियाँ कुछ इस तरह की दिखेंगी आपको। 80 टैबलेट्स आपको मिलेंगी। दोस्तों, अब बहुत ही डिटेल में आपको इसका एक एक लाभ बता देता हूं। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये औषधि सबसे ज्यादा लाभकारी होती है। यदि आपको किडनी, ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी समस्या है, आप चंद्र प्रभावटी का सेवन कर सकते हैं। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो, यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, ये तीनों को शरीर से निकालने में सहयोग करता है और इसे अक्सर त्रयोदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल के साथ बताया जाता है। और उन दोनों का ही रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जॉइंट पेन, किसी भी अर्थराइटिस, मसल पेन सब में लाभकारी है। यहाँ तक कि जॉन्डिस और एनीमिया में भी ये बहुत लाभकारी है, यानी जिसको हम लोग प्रमेह कमला रोग भी कहते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है मल्टीविटामिन्स का। इससे आप एलोपैथी की मल्टीविटामिन्स ना लेके इसका सेवन करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसका टोटल लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। इसमें है मुख्यतः वायविडंग, चित्रक, हल्दी, वंशलोचन, दालचीनी, यक्षार, पीपला मूल, धनिया, शाव्य, कपूर, शुद्ध लवण, त्रिफला, छोटी इलायची। दोस्तों, कुछ मुख्य जो औषधियाँ हैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा लौह भस्म, तो जिनको एनीमिया की समस्या है उनको लाभ होगा। शुद्ध शिलाजीत आपको इसमें मिलेगा और शुद्ध गुग्गुल, और ये सब कुछ त्रिफला के क्वाथ में बनाया गया है। इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा भी है। आप दिन में इसका 2 बार आप सेवन करें, खाना खाने के बाद, पानी के साथ, या आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं रात को। दोस्तों, जैसा यहाँ पे बताया गया है, अब मैं आपको ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। इस औषधि का रिव्यू आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि जो भी लोग ऐसी कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं वो लाभ पाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।